हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार है। पहला दोस्तों, नए दिन की एक नई सुबह। मैं हूँ उत्तराखंड के हसीन वादियों में सैनाथी गांव से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं घर ही पे हूँ और दोस्तों घर के काम करूँगा, जैसा कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ब्लॉग में। तो आज मैं सारे जो भी घर में काम करते हैं लोग, जो भी करूँगा मैं, वो चीज़ें सारी बताऊँगा उस चीज़ के बारे में। तो चलते सीधे ब्लॉग पर। तो सुबह होते ही दोस्तों गाय के लिए पहले दो रखा जाता है, जैसा कि अभी आप देख लोगे यहाँ पर दो रखा हुआ है। और धूप आने के बाद यहाँ पर गाय भी बाहर बांधे जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर गाय बाहर बांध के इनको घास दिया हुआ है, सुबह घास जो कि गजवी देते हैं हम लोग। तो अभी जो सुबह के मौसम में आपको गांव का नज़ारा बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही बढ़िया लगता है सुबह का। जब सुबह धूप आती है तो बहुत ही प्यारा लगता है गाँव। तो अभी देखो हमने गाय हाय सब बाहर बांध दी, तो लोगों ने भी गाय बाहर बांध दिए होंगे। तो अभी दोस्तों धूप इतनी दूर ऊपर आ चुकी है, तो आपने देखा होगा कि सुबह हमारे पहाड़ में कैसे धूप आती करके। तो दोस्तों दिन में इस प्रकार से भी देख सो आप, मैंने पानी हानी देखी इनको, अभी और घास डाला इनको मैंने। तो इनको घास भी यहीं पे देते हैं और पानी भी यहीं पे देते हैं दो बार दिन में, और आज तो मैंने इनको नहला भी दिया है। तो अभी बजे हुए हैं 12 और यहाँ पर अभी गाँव का मौसम देख सो कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर लग रहा है गाँव यहाँ से। तो आपको गाँव में हर जगह हरियाली दिखेगी और बाँस के पेड़ भी दिखेंगे आपको और ऊँचे नीचे पहाड़ दिखेंगे। और दोस्तों इसको बोलते हैं भटारी, तो हमारी भाषा में इसको भटारी बोलते हैं, गेहूं और जौ के साथ होता है। तो दोस्तों ये फूल दे के दिन काम आता है, जो इसको फूल त्यार बोलते हैं हमारे भाषा में, तो उस दिन काम आता है ये बुरांस के फूल के जाने। इसको भी डाला जाता है घरों में। तो कुछ समय बना के दिखाएंगे अभी बजाने वाला, यहाँ से इसको गेहूँ से निकाला और इसके मुँह में डाला। अगेन ट्राई, दिखाएंगे भी नहीं बना है, अब बना के दिखाएंगे। दोस्तों ये बजाने वाला गेहूँ जो का बनता है और ये है भटारी के फूल। और दोस्तों इसको हम बचपन में बनाते थे बजाने वाला, तभी दोस्तों भटारी के फूल भी हमें मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको दोस्तों, पुराने टाइम का दीवार है। तो ये भी तो लगभग पुराने घर टूट चुके हैं हमारे गाँव के, तो ये बचा हुआ था। तो यहाँ पर कितना बड़ा पत्थर है आप देख सकते हो, बहुत ही नीचे से इतना बड़ा पत्थर है। तो पुराने टाइम में लोगों ने कैसे रखा होगा इसको यहाँ पर। और बाकी ऊपर में भी दोस्तों एक दीवार है, अभी भी दिखा दो एक पत्थर और ऊपर में। तो ये वाला पत्थर देख सकते हो आप, जहाँ पर कुछ मन फूल लगा रहा है, ये वाला पत्थर कितना बड़ा है देख सकते हो आप। और दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर, देख सकते हो पत्थरों को काट के कैसा बना रखा है यहाँ पर, देख सकते हो आप बिल्कुल एक जैसे पत्थर है। और दोस्तों घर की कंडीशन देख सकते हो भी इतनी ख़राब है, ये एक दो साल में टूट जाएगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और दोस्तों अभी बजे हुए हैं 3, तो अभी मैं बाद में इनको डालूंगा गोठ में, जब धूप नीचे आएगा, जब धूप जाने लगेगा तब, और जैंग को झाड़ूंगा जैसे कि मैंने परसों झाड़ा था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको हर चीज़ दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ दिखाने लग जाऊँगा तो ब्लॉग बहुत ही बड़ी बन जाएगी। और दोस्तों नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं।